Welcome dear learners, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. In this educational and technology video, we are going to see how to compress big video files into smaller ones. तो हम देखेंगे कि ये एक दो या फिर डेढ़ जीबी तक जो फाइल्स है उनको हम 300-400 एमबी तक कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें फाइल्स शेयर करनी है, जैसे कि आप मान लो कि अगर आप वो फाइल गूगल ड्राइव थ्रू या फिर आप वन ड्राइव थ्रू शेयर कर रहे हैं, तो आपको अपलोड करने में भी ज्यादा डेटा लगेगा और जो सामने वाला जो डाउनलोड कर रहा है उस फाइल को, उसको भी ज्यादा डेटा लग सकता है। इसलिए हम फाइल को क्या करेंगे, एक जीबी अगर फाइल होगी कंसिडर कर लो, या फिर डेढ़ जीबी की फाइल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सैंपल फाइल ली है जो डेढ़ जीबी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। So the size of this file is 1.52 GB. Okay, so it is video file और इसकी length है that is about 1 hour. तो इस file को हम क्या करेंगे, 200, 300 या फिर 400 MB तक ये compress करेंगे। तो इसको compress करने के लिए एक software मैं use कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये software open किया है, तो यहाँ पे एक pop-up window आ रहा है कि drop file और folder here. तो मैं अब क्या करूंगा, ये जो मेरी फाइल है इस फाइल को मैं यहाँ पे ड्रैग करके डाल दूंगा। ड्रैग करने के बाद आपको ये विंडो ओपन होती है, इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन वेब ऑप्टिमाइज्ड और कुछ अलग अलग सेटिंग्स दिए हैं, उन सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी एज इट इज रखनी है तो बस आप कुछ भी मत कीजिए इसमें, या फिर आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे डायमेंशन दिया है, फिल्टर, ओके, वीडियो, आप इस वीडियो की क्वालिटी यहाँ से भी कम कर सकते हैं, या फिर ऑडियो क्वालिटी है, आपको किस ऑडियो क्वालिटी में ये चाहिए, और अलग अलग सबटाइटल्स, चैप्टर्स, ओके, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए है, तो इनमें जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वेब ऑप्टिमाइज्ड, फिर आपको यहाँ पे ब्राउज करना है और लोकेशन देना है कि आपको ये फाइल कहाँ पे सेव करनी है। सपोज मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव करना है इसे, तो मैंने यहाँ पे डेमो फाइल ऑफ 1.52 जीबी 1, तो ये जो 1 आया है इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, आफ्टर कॉम्प्रेस। ओके, कॉम्प्रेस करने के बाद ये अब जो फाइल डाउनलोड होगी यहाँ से, तो ये आफ्टर कॉम्प्रेस फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इसे हम देखेंगे कि ये 1.52 GB फाइल कितने MB में कन्वर्ट हुई। ओके, उसको मैं अभी सेव करता हूं और यहाँ पे क्लिक करना है आपको स्टार्ट एनकोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एनकोडिंग स्टार्ट हुआ है, टाइम दिखा रहा है, इट टेक्स अबाउट 42 मिनट्स कॉम्प्रेस द फाइल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्यू फिनिश्ड, मतलब ये एनकोडिंग इसका पूरा हो चुका है, और अब हम देखेंगे कि कॉम्प्रेस करने के बाद ये 1.52 जीबी वीडियो फाइल की साइज कितनी हो गई। तो इस सॉफ्टवेयर को मैं भी क्लोज करता हूं और ये मेरे फोल्डर में आ गया। मैं यहां आप देख सकते हैं कि दो फाइल्स है, जो बिफोर कॉम्प्रेस और ये आफ्टर कॉम्प्रेस है। कॉम्प्रेस करने के पहले ये थी 1.52 जीबी और कॉम्प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आफ्टर कॉम्प्रेस इट बिकम्स 124 MB। देखो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी और कम साइज हो गई इसकी, इट बिकम्स 124 MB, मतलब आप डेढ़ जीबी तक की फाइल 125 MB तक या फिर 130 MB तक कॉम्प्रेस कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द क्वालिटी ऑफ वीडियो एंड ऑडियो। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये कैसे डाउनलोड करते हैं और ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये अब हम देखते हैं। तो गूगल में हम सर्च करेंगे सॉफ्टवेयर का नाम, ये है हैंडब्रेक, ये एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, आप इस सॉफ्टवेयर को आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल ओपन करता हूं मैं इसकी और यू हैव टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम दिस लिंक। ओके, इसका नाम है हैंडब्रेक, दिस इज ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसपोर्टर सॉफ्टवेयर, जिससे आप विदाउट लूजिंग इट्स क्वालिटी और द क्वालिटी ऑफ वीडियो एंड ऑडियो ऑफलाइन
इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर को विंडोज में या फिर मैक या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तो वहां पे भी आप से यूज कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दी डाउनलोड हैंड ब्रेक एंड इट गेट डाउनलोडेड। आपको जो .exe फाइल है उस .exe फाइल को ओपन करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, दैट्स ऑल। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे बिग फाइल्स, बिग वीडियो फाइल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर वंस। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। थैंक यू।